सर मिल जाना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करती है और आपके पार्टी के बारे में जरा बताइए और क्या कुछ मोटिव है, क्या कुछ चीजें लेकर आप लोग आगे बढ़े सर। प्लीज सबसे पहले आपसे सेट करें। हमारे राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी आज जो शुरुआत किए हैं, तो हमने हमारे राष्ट्रीय प्रमुख साहब हनुमान जी धामे जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली मैडम जी है और मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बाबू रंगदेव, हमने मिलके हमारे जो टीम ने मिलके आज शुभारंभ किया है और श्री गणेश किया है हमारी पार्टी के साथ। तो पार्टी का मुद्दा एक ही है कि बेरोजगार के खिलाफ रोजगार के लिए हमारी पार्टी लड़ेगी और लोगों को जो अन्याय नहीं मिल रहा है हो रहा है उसके साथ न्याय दिलाने के लिए हमारी महाराष्ट्र स्वराज भूमि पार्टी हमारे आगे सभी लोगों को साथ देंगे। और जितनी भी पार्टी के लोग हमारे आए हुए हैं वो हर लोगों के साथ में जुड़ के हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए आने वाले कुछ दिनों में आगे बढ़ेगी और पदाधिकारियों को पूरा महाराष्ट्र के अंदर उनको पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और उनको विधानसभा का टिकट देंगे और उनको जिताने की कोशिश करेंगे। और जो भी गोर गरीब लोग हैं गवर्नमेंट से उनकी सुविधा बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है, सरकारी नौकरियां खाली है, उनको नहीं दिए जाते, तो हमारी महास्वराज भूमि पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ जुड़ के उनको न्याय दिलाएंगे और उनका हक है उनको दिलाने की कोशिश करेंगी। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख साहब हनुमान जी दाने जी को सब बोलेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी क्या किस नई मोड से जा रही, क्योंकि सुनने में पार्टी के साथ कुछ गड़बड़ चीजें भी हुई थी लेकिन अब आप लोग एक नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं, आप प्लीज आपके विचार बताइए और क्या कुछ पॉइंट है, क्या प्लानिंग है आपको क्या। राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी याच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले होते तर आम्ही नवीन कार्यकारिणी डिक्लेअर केलेली आहे आणि हे पदाधिकारी सर्व राज्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी पदाधिकारी देऊन नव्या जोमानं पक्षाचं काम करतील आणि अन्याय अत्याचार विरोधात जिथं जिथं अन्याय होतोय तिथं आमची राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पार्टी काम करेल। राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पक्षाची स्थापना साधारण 2 ते 3 वर्षापासून झालेली आहे। राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पक्षाचा एकच उद्देश आपल्या देशाची एकता अखंडता कायम अबाधित राहावे, लोकांमध्ये बंधुभाव निर्माण व्हावा, प्रत्येक लोकांना म्हणजे सामान्यातल्या सामान्य गोर गरिबांना रोजगार मिळावा, त्याला 2 वेळचं चांगलं जेवण, चांगल्या आरोग्य सुविधा व्हाव्या, प्रत्येक गावात मुलांना खेळायला क्रीडांगण, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते कसं प्रत्येक गावात लायब्ररी तसं प्रत्येक गावात शिक्षण, चांगल्या शिक्षणाच्या सुविधा या मिळण्यासाठी आपण राजकीय पक्षाची माझी संकल्पना होती, त्या संकल्पनेला आमचे मित्र हनुमान धावणे सर आणि आमचे एक सहकारी त्यांनी दोघांनी मिळून अहोरात्र मेहनत घेऊन ही पक्ष पुढे नेला। आता त्यामध्ये काही एगो काही क्लॅशेस आणि एका सडक्या कांद्यामुळे पार्टीमध्ये काही वितुष्ट आलं होतं, त्यासाठीच ही बैठक बोलवण्यात आली आणि त्यांना त्या दो कार्यकर्त्याला पक्षातून बडतर्फ करण्यात आलेला आहे, सर्वानुमते बडतर्फ करण्यात आला आहे। पक्षात काही उमेदवार अनुपस्थित होते कारण पक्ष हा भारतातील बरेच उमेदवार असल्यामुळे, तर त्यांनी फोनवरून पक्षासोबत असल्याबद्दल कळवण्यात आलेलं आहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वैशाली गोसावी यांनी यापूर्वी त्यांच्याबद्दल त्या पार्टीमध्ये सक्रिय नसल्याबद्दल बोललं जायचं, परंतु त्यांची वैशाली गोसावी माझी पत्नी त्यांनी देखील विधानसभा इलेक्शनसाठी स्वतः मनापासून मेहनत घेण्याची तयारी घेतली आहे। बाबूभाई रंगरेश पूजा मॅडम ईश्वरजी वगैरे सर्व मिळून एकोप्याने पक्षासाठी काम करण्याची शपथ घेतलेली आहे आणि यानंतर येणाऱ्या काळात विधानसभा लोकसभा नगरपालिका वगैरे प्रत्येक इलेक्शनमध्ये
राष्ट्रीय महास्वराज पार्टीचे चांगले उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. लोकांपर्यंत जाणं, लोकांच्या छोट्यातल्या छोट्या समस्या जाणून घेणं आणि त्याच्यावरती प्रभावी नियंत्रण कसं करायचं, त्या अधिकाऱ्यांना मिळून एकत्र राहून आणि आनंदाने एकोप्याने कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे आंदोलन किंवा चुकीच्या गोष्टी न करता एकोप्याने, कारण आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या पक्षाचं एकच उद्दिष्ट आहे का देशाच्या एकात्मतेला कोणत्याही प्रकारचे पाहिजे. जाती प्रथा यापूर्वी जाती भेद हे तेच नाही. माझ्या पक्षामध्ये सर्व हिंदू मुस्लिम सगळे एकत्र आणि ते पूर्ण भारतीय असल्याप्रमाणे राहतील, आनंदाने राहतील, हे आपल्या पक्षाचं वाक्य आहे. मी पक्षाचा सदस्य नाही पण पक्षाचा माझी पत्नी असल्यामुळे मी मार्गदर्शक म्हणून आहे. फक्त जेव्हा जेव्हा आपण बोलवाल त्यावेळेस मी नक्कीच हजर राहील. धन्यवाद. राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पक्षातर्फे सर्व कार्यकर्त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. राष्ट्रीय सर्वांना शुभेच्छा. क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है जो मुद्दे ये गरीब लोगों के जो उठा रहे हैं वो कितने जरूरी है और किस तरह से आप जुड़े हैं? सर हम लोग तो है ना राष्ट्रीय महास्वराज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आगे तक लेके जाएंगे और सबको साथ देंगे, ये हमारी शुभकामना रहेगी सबके साथ. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी, ये पार्टी बस गरीबों के लिए है, गरीबों के हक लिए और अन्याय के लड़ने के लिए. तो हम सब मिलकर, ये तो अभी शुरुआत है, जो भी हुआ पास्ट में जब ये पार्टी स्टार्ट हुई थी तो हर पार्टी में कुछ अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, तो हम नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिविटी के साथ हम सब मिलकर एक साथ आज संकल्प लेते हैं, सब मिलकर बहुत अच्छे से और बहुत ही मजबूती से काम करेंगे. आने वाले इलेक्शन में हमारे वो रिजल्ट्स बहुत ही 101% दिखेंगे. थैंक यू सो मच. सर आप अपने जिस तरह से आपकी पार्टी को कैसे आप ग्रो करने का सोच रहे हैं कहाँ कहाँ, उस बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकते. पार्टी का काम अभी तो ग्राउंड लेवल पे चालू है, क्योंकि हमारे पार्टी में ना जुड़े हुए लोग सब गरीब घर से है. पार्टी अभी आपने देखा होगा कि सब आना चाहते हैं लेकिन पार्टी के पास फंड नहीं है, पार्टी के पास पैसा नहीं है और ट्रेवलिंग का, लेकिन सब अपने हिसाब से फोन करके आ रहे हैं. हमें इतना ही है कि हमें लोगों तक पहुँचना है, लोगों के समस्याएं देखना है और उनको सुलझाना है. सिर्फ ना मतलब अभी इससे पहले क्या हुआ है, लोगों ने देखा है कि भाई हम लोग ये करेंगे. ये जो कहता है ना नेता जाता है वहां पर बोलते हैं भाई समस्या बताओ ये है, भाई तुरंत फोन कर देता है, दूसरी समस्या तुरंत फोन देता है, तीसरी समस्या भाई मोबाइल का टावर नहीं, भाई फिर कैसे बात कर रहा है. तो ये जो झूठी है ना झूठे वायदे नहीं करना, मैंने सबको बोल दिया है भाई झूठे वायदे नहीं करना, लोगों को सच बोलो. नहीं होता यस हम नहीं कर सकते, होता है जो होगा 100% और दिल से करो. उनके ना हर अभी मुझे भाऊ बहने भी देखा है, कभी भी फोन आता है या तो हम लोग दौड़ते हैं वो कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं. जब हम लोग एक कहानी आपने सुना है, जब राम सेतु बन रहा था तो वो एक थार होता ही है, वो छोटा सा अपने हाथ वो बनाने का कोशिश करे, वैसे हमारे कार्यकर्ता कोशिश करो 100% सफलता मिलेगी और एक ना एक दिन. और मैं आप सभी को बोलता हूँ ये पार्टी, क्योंकि पार्टी को राष्ट्रीय नाम दिया गया है और ये शुरुआत है, जब पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा उस वक्त आप लोगों का नाम सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि पार्टी के लिए आपने ये शुरुआत की है. उसमें ताकत दिए मुझे बाबू भाई, ईश्वर जी, दावने साहब, दत्तक साहब, सब आप लोगों ने दिए, विशाल पवार सर वगैरह. तो धन्यवाद सर. पता नहीं था, मैं ऑलरेडी मैं मनसे में था और शाहिद सिद्दीकी जो है उस सीए, उसके पास मेरा आईटीआर रिटर्न के लिए गया था, तो उसके पास मेरा पूरा अकाउंट डिटेल चला जाने के बाद
उसके दिमाग में क्या आया मुझे पता नहीं है, लेकिन वो मुझे पूरी तरह से मेरा पैसा पूरा खत्म करना चाहता था। ये आप मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि उसने मुझे पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए बार बार उकसाया गया। फिर बाद में मेरे को बहुत सारा प्रेशर हुआ, और यही पार्टी का नहीं, मेरे पास कम से कम 8 से 10 पार्टी का और टिकट था, लेकिन मैं पार्टी का जो नाम देखकर या सुनकर ज्वाइन हो गया। तो नाम अच्छा है, पार्टी भी अच्छा चलेगा। उसने मुझे बहकाया कि मैं इस पार्टी का सब कुछ हूँ, मैंने पार्टी बनाया, मैंने पार्टी स्थापित किया हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे को मुंबई अध्यक्ष का पोस्टिंग दिया गया। मुंबई अध्यक्ष का पोस्टिंग देने के बाद मेरे को बोला, मैं उनको पूछा लेटर हेड बनाना है तो ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम रहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम डालने को बोलो, क्योंकि ऑलरेडी मैं रूरल पार्टी से हूँ तो गलत काम नहीं होना चाहिए। तो बोला मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं हूँ सब कुछ, टेंशन मत लो। उसने मेरे को वो ऐसा करने को लगा, ठीक है। बाद में फिर मेरे को इलेक्शन लड़ने के लिए बोला, तो मैं बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने पैसे के लिए मेरे को हर दम बोला पार्टी सब कुछ करेगा, तुमको 1 रुपया खर्चा नहीं करना। और आइन टाइम पे पूरा पैसा मेरा खर्चा हो गया। जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन का परमिशन निकालने को जाता नहीं है, पार्टी का एक भी बंदा मेरे साथ में नहीं था, ये सबसे बड़ी दुख भरी बात है। और ये बंदा मेरे को इलेक्शन का सभा का आपको भड़का दिया, कैसे सभा का मेरे को परमिशन निकालने को बोला। उसके बाद में वो दूसरे दिन दूसरे जगह पे बोला, किधर मैयत में गया, किधर इधर गया, उधर गया, ऐसा पूरा झूठा बोल के मुझे फंसाया गया। फिर बाद में पता चला कि मेरे जो बीएमसी का वगैरह सब पैसा भरने को होता सभा का, वो मेरे ऊपर चढ़ रहा है, तो मेरे को जगह पे उसका लेटर देना पड़ा। वो लेटर अभी भी मेरे मोबाइल में है और सर जी को मैंने भेजा भी हूँ। और मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनको भी मिलने नहीं दिया। बाबू भाई रंगत जी है, इन्होंने मुझे संपर्क किया, तो उस टाइम पे मेरे को उनका फोन आने के पहले उसने बोला कि भाई बाबू भाई आपको फोन करेंगे बोले आप बताओ हमको फोन आएगा। तो उस टाइम पे मेरे फोन आया बाबू भाई का, तो मैंने उनको बताया बाबू भाई का फोन आया, तो सीधा बोला बाबू भाई अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने निकाल दिया है, हमने पार्टी बनाया है, उनको तकलीफ बहुत हो रही है, तो बाबू भाई उनको लेके आएंगे, आप फोन मत उठाओ करके। उसके वजह से मेरे को इलेक्शन में ऑलरेडी तकलीफ में आना नहीं चाहता था, मैं चुपचाप बैठ गया, बोला आपने इलेक्शन लड़ना है करके। लेकिन ये बंदे ने मेरे साथ में नहीं, मेरे से पहले ये राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी से पूरे नेशनल लेवल पे जम्मू काश्मीर तक लोग जुड़े हुए थे, सबके साथ में धोखाधड़ी किए। ये मैं इलेक्शन के बाद पूरा खोद के निकला हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ, संपादक हूँ, वो हिसाब से मेरे को मैं चुप बैठने वाला नहीं है। उसने चुते में गिनती किया, पत्रकार क्या होता है अभी तक उसको पता नहीं है। पत्रकार की भाषा मैंने उसको दिखा दी है, अब वो पार्टी से उसको बाहर निकाल दिया गया, तो वो खुद ही एक उसको एक समझ में आना मांगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सेक्रेटरी को नियुक्त करता है या सेक्रेटरी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त करता है, ये उसको अभी तक समझ में नहीं आया। वो दुनिया की आंखों में हमेशा धूल झोंकने वाला काम करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो सेक्रेटरी को नियुक्त करता है, और ये इसका खुद का नियुक्ति जो सेक्रेटरी है उसके हाथ से खुद का नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष करके लेता है, ये कौन से दायरे में बैठता है? देखो महास्वराज, राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी से, इसकी संकल्पना से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं सक्रिय हुआ हूँ, जो इसमें जो अनबन थी अभी उसको क्लियर होने के बाद हमारा विजन क्लियर हुआ है, और हमें इस पार्टी को ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि जैसे कि आज आप देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो पॉलिटिक्स राजकारण का जो दुर्दशा हुई है, वो दुर्दशा बंद करने के लिए और जो लोकशाही तत्व है उसको सही तरीके से सामने लाने के लिए हमने ये पार्टी के साथ हमने काम शुरुआत की है। जैसे हमारे पार्टी का जो मोटो, जो यहाँ तक मैं समझाऊ कि समाजकारण और राजकारण दो एक सिक्के के पहलू है, राजकारण और समाजकारण, हमारी पार्टी राजकारण और समाजकारण दोनों एक साथ करना चाहती है, जिससे कि इस देश के पिछले वर्ग तक जो ये विकास से जुड़ा नहीं है वहां तक विकास लेके जा सके। और ये जो हम बोल रहे हैं कि लोकशाही, भारत दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी लोकशाही है, हमको इसको दुनिया की सबसे पहली लोकशाही बनाना है, इसलिए महास्वराज पार्टी से जुड़े। तो सर तुम्हारा क्या बोला सर? बोला दो
मानाचं जय महाराष्ट्र. आणि आपण जे आता आमच्या झाले साहेबांनी आणि गोसाळ साहेबांनी जी राष्ट्रीय भूमी पार्टी ही त्यांनी स्थापन केली आणि स्थापन केल्यापासून मला बरेच आपण ढवणे साहेबांचं आमंत्रण होतं की कोसले भाऊ आपण जाऊ हे पार्टीचं काम करू. मी पहिल्यापासून आम्ही ढवणे साहेबांनी आम्ही राजसाहेबांचं काम केली माणसं आहे मी आणि तडपडीची माणसं आम्ही कुणावरही अन्याय अद्याप बंद होऊ दिला नाही. जिथं अन्याय तिथं न्याय द्यायसाठी आम्ही जातो ही आमची हे धोरण आहे आमच्या पक्षाची. त्या पक्षाच्या माध्यमातून आम्हाला असा रिस्पॉन्स मिळाला की गोसाळेबासाहेबांचे आमचे बरेच वेळा फोन झाले गोसाळे साहेब तुम्ही मुंबईला या मुंबईला आपण बैठक लावू त्याच्यावर तुमचा विचारविनिमय करू तुमचं धोरण आम्हाला आवडले पक्षाचं तुमच्या कामाचं. त्याचबद्दल आम्ही धामणेसाहेबांनी आम्ही आता विचारणा येऊन आता आमच्या बंधू बघणी आम्ही एकत्र येऊन इथनं पुढं राष्ट्रीय स्वराज्य महास्वराज्य पक्षाची आम्ही चांगल्या तऱ्हेने वाटचाल चालू करू. हा पक्ष अगोदरच महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलेला आहे परंतु काय कामानं त्याला वेळखावा घातला होता त्या पक्षाला तर त्या आम्ही सगळे मिळून जो आम्हाला बाहेर काढू आणि कामाला लागू आम्ही सगळे मिळून एकत्र येऊन थोडी बोल मी माझ्या पक्षांचा बदल यांचे दोन शब्द घाला. नमस्कार, मी राजेश राऊत. आज या ठिकाणी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची नियुक्ती झालेली आहे. या अगोदर सुद्धा मी या राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पार्टीमध्ये काम करत होतो. प्रदेशाध्यक्षाच्या पदापर्यंत मी काम केलेलं आहे. पण कसं आहे, महाराष्ट्राला एक कीड लागलेली आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक पक्षामध्ये एक अशी भावना झाली आहे की चार जण उठतात आणि सगळा पक्ष मागाच हे जे म्हणतात ही कीड थोड्याफार प्रमाणात आमच्याही पक्षाला लागली होती. परंतु आम्ही त्यांना आता बाजूला काढून टाकलेलं आहे आणि त्यांना बाजूला काढून टाकलेला आहे हा विषय आता आजच्या दिवसापुरता मर्यादित राहावा. कारण आपण काय करतोय हे गद्दार आहेत असं बोलून बोलून त्यांना मोठं करायचं काम आपणच करतोय. त्यामुळं तो प्रश्न हा आजच्या दिवसापुरताच राहावा आणि जे काही कायदेशीर बाबी आहेत आमचे जातक सर असतील ते कायदेशीर सल्लागार आहेत त्यांच्या मार्फत जे काही असेल ते कायदेशीर करावं पण परत त्यांचा नाव घेऊन त्यांना मोठं करण्यात येऊ नये. आणि आपल्या पक्षाचं जे ध्येय धोरण आहे तळागाळापर्यंत जी काही सोयीसुविधा आपल्या पक्षाकडून पुरवण्यात येतील त्याच्याकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्यात यावं. आणि मी गोसाई सरांना एक विनंती करतोय, भले मोठे जरी उद्योगपती नसले तरी छोटे छोटे जे उद्योगपती आहेत किंवा गुजरात सारख्या ठिकाणी आपले जर ओळखी असतील तर तिथल्या आता सोलापूर सारख्या ठिकाणी सूत मिलला पोषक वातावरण आहे तर तिथल्या उद्योजकांशी बोलून सोलापूरमध्ये काही उद्योग आणता येतील का आणि सोलापूरच्या जनतेला सोलापूरच्या कामगारांना हाताला काही काम देता येतील येईल का ह्याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावेत. आणि सोलापूरचा ह्या दृष्टीने जर विकास केला तर सोलापुराची पहिली महास्वराज्य भूमी पार्टीला जी ऊर्जित अवस्था आली होती त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ही सोलापूरमध्ये फोपावे. आणि राष्ट्रीय महास्वराज्य भूमी पार्टी ही सोलापुरात एक नंबरची पार्टी होईल याची मी ग्वाही देतो. एवढं मी आपल्या माध्यमातून मी गोसाळे स्वामींना ही विनंती करतोय त्यांनी काहीतरी सोलापूरसाठी करावं. जय हिंद जय महाराष्ट्र. तो मैं करीबन दो साल के आसपास से जानता हूँ और एक साल से मुझे भी पाली जिला का अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान से और बहुत ही बढ़िया काम मैंने देखा है इनका. जैसे बाबू भाई है हमेशा किसी भी आदमी के लिए एक फोन करेंगे तो तुरंत भाग के आएंगे. गरीबों के लिए कोई भी काम हो कहीं पे भी हर जगह पे है. और हमारे मैडम जी का भी काम हमने देखा है तो बहुत ही बढ़िया काम है इनका और हम भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के जुड़े हुए हैं और इस पार्टी को और आगे ले जाएंगे. जय हिंद जय भारत. थैंक यू.